एक साथ दो ट्रेनों में आग। साथियों लगातार ये क्या हो रहा है? जी हां दोस्तों, यात्रियों से भरी हुई ट्रेन हो गई बाग का गोला। अभी की बड़ी खबर इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है साथियों उत्तर प्रदेश से, जहां पर दोस्तों आप सभी को पता है कि हमने हाल ही में आपको बताया कि साथियों पिछले एक ट्रेन में आग लग गई थी। लेकिन साथियों अब एक और बड़ी खबर आ रही है कि साथियों उत्तर प्रदेश के इटावा में बुधवार देर रात वैशाली एक्सप्रेस के कोच में आग लग गई। हादसे में 19 यात्री घायल हुए हैं, इनमें 11 की हालत गंभीर है। हादसा रात 2:30 पर हुआ है। उस वक्त ज़्यादातर यात्री सो रहे थे। कोच में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। भगदड़ के बीच यात्रियों ने ट्रेन से कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रेन दिल्ली के बिहार से सहरसा जा रही थी। इटावा में 12 घंटे कम वक्त में ट्रेन में आग लगने की दूसरी घटना है। इससे पहले बुधवार शाम 6 नई दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस के स्लीपर कोच S1 में आग लगी थी। यह हादसा सराय भूपत रेलवे स्टेशन के पास हुआ था। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 6 से 7 किलोमीटर है। आग कैसे लगी है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। COGRP ने बताया कि जांच के बाद इसका पता चल पाएगा। वैशाली एक्सप्रेस के स्लीपर कोच S6 में लगी प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी रेलवे फाटक के पास यात्रियों ने बाथरूम के पास धुआं उठता देखा तो कुछ ही देर में पूरी बोगी धुआं भर गया। कोई कुछ समझ नहीं पाया क्या हुआ। कोच में अफरा तफरी मच गई। यात्री नींद से जागे, उनका दम घुटने लगा। भगदड़ के कारण लोग बेहोश होकर गिरने लगे। जब ट्रेन में लगी आग उस समय इटावा स्टेशन नज़दीक था। ट्रेन की स्पीड भी करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटे रही होगी। लोगों ने TTE को सूचना दी, जिसके बाद ट्रेन को प्लेटफॉर्म के पहले ही आउटर पर रोका गया। इस दौरान मची भगदड़ के कारण कई यात्री घायल हो गए, जबकि दम घुटने के कारण कई यात्रियों की हालत अभी भी गंभीर है। ज़्यादातर लोग दम घुटने और भगदड़ के कारण घायल हुए हैं। रविवार को साथियों छठ पूजा के कारण ट्रेन में भीड़ थी। जैसे ही कोच में आग लगने का पता चला तो यात्री घबरा गए। कोच के गेट के पास आग ज़्यादा थी, ऐसे में सभी दूसरे गेट की तरफ भागने लगे। पापा धापी में एक दूसरे पर चढ़कर ट्रेन से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। 1 घंटे से अधिक समय के ट्रेन को रोकने के बाद रवाना किया गया। गंभीर रूप से 11 यात्री घायल हैं, जिन 11 यात्रियों को सैफई रेफर कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। वीडियो को लाइक एवं शेयर करिएगा। थैंक यू।